गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज के स्पेशल वीडियो में मैं आप लोगों को IERT 2024 के 7 अगस्त के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की काउंसलिंग के दौरान किस किस ब्रांच में कौन कौन सी सीटें फुल हुई हैं, किस किस कैटेगरी के लिए, सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको आगे जैसे 8 अगस्त, 9 अगस्त या 11 या 12 अगस्त के काउंसलिंग कराने वाले स्टूडेंट को अच्छी तरीके से पता चल सके कि किस किस ब्रांच में सीटें फुल हो चुकी हैं और किस किस ब्रांच में सीटें अभी खाली हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूँ, 8 अगस्त की काउंसलिंग का कंप्लीट अपडेट फर्स्ट शिफ्ट का देखें तो हम 1 या 2 बजे लेकर आने वाला हूं, नहीं तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों ही शिफ्टों का कंप्लीट अपडेट मैं आज शाम तक दे दूंगा। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूं कि 7 अगस्त की काउंसलिंग के बाद किस किस ब्रांच में कौन कौन सी सीटें खाली हैं। मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, 7 अगस्त की काउंसलिंग के दौरान जनरल और ओबीसी के इलेक्ट्रिकल ब्रांच की टोटल सीटें पूरी तरह से भर चुकी हैं। 7 अगस्त की काउंसलिंग के दौरान जनरल और ओबीसी स्टूडेंट के लिए इलेक्ट्रिकल की जितनी भी सीटें थी पूरी तरह से फुल हो चुकी हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जो अभी सीटें बची हैं वो आपका SC, ST, EWS और PH के लिए कुछ सीटें बाकी हैं, लेकिन जनरल और OBC में के स्टूडेंट के लिए टोटल सीटें 7 अगस्त की काउंसलिंग के दौरान ही पूरी तरह से फुलफिल हो चुकी हैं। मैं आपको बता दूं, 7 अगस्त की काउंसलिंग में डियर स्टूडेंट 203 रैंक तक के स्टूडेंट का काउंसलिंग हुआ है, 203 रैंक तक के स्टूडेंट का काउंसलिंग हुआ है। आज की काउंसलिंग डियर स्टूडेंट आपका 204 रैंक से स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल के जनरल और ओबीसी के टोटल सीटें फुल हो चुकी हैं। इसके अलावा सिविल, मैकेनिकल, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी भी सीटें खाली हैं सभी कैटेगरी के लिए, चाहे जनरल का स्टूडेंट हो या ओबीसी का स्टूडेंट हो या एससी का या एसटी का या ईडब्ल्यूएस का, तो केवल और केवल जनरल और ओबीसी का इलेक्ट्रिकल की सीटें पूरी तरह से भरी हैं और